Hello students, how are you all? Today's our subject is English. Page number 28 and today's our topic is fun time. Join the dots, help the animals move. यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे pictures type बना हुआ है dot dot में. इसको हमें क्या करना है, इन सारे dots को join करना है, यानी कि tracing करना है. कैसे trace करेंगे हम, देखिए ये डॉट्स के ऊपर ऊपर से हम ऐसे लाइन बनाते जाएंगे और इसी तरह ये पूरी पूरी लाइन को जॉइन करेंगे. इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे पूरी लाइन को ट्रेस करना है. यहाँ पर भी इसी तरह से करते जाना है और इसको जॉइन करना है. यहाँ पर भी देखिए जहाँ जहाँ में डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे डॉट डॉट्स पे पेंसिल को करते जाना है और उसको जॉइंट करना है. यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से है, तो यहाँ पर भी इस तरह से करते जाना है और इन सब को ट्रेस करना है. नेक्स्ट है जॉइन द डॉट्स, कलर द पिक्चर्स. इसी तरह यहाँ पर भी हमें डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं, तो सबको ट्रेस करना है. फिर ये जो पिक्चर दिख रहा है अम्ब्रेला का, उसके अंदर हमें कलर करना है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रीड एंड राइट एम एन एंड रीड द लेटर्स नेम द पिक्चर्स. अब यहाँ पर हम लेटर एम है और एम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पिक्चर है. ये है एम, एम फॉर मून, एम फॉर मग, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी. ये सारे एम से रिलेटेड एम के नेम के पिक्चर है. और यहाँ पर अब है एन, एन फॉर नीडल, एन फॉर न्यूज़पेपर, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेट. यहाँ ये सारे फोर पिक्चर्स भी एन से रिलेटेड है. फिर है प्रैक्टिस द स्ट्रोक्स, राइट द लेटर्स. अब हम यहाँ पर लेटर एम और एन को रिटर्न में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. जैसे हम करते हैं, पहले तो ये जो सारे स्ट्रोक्स दिए हुए हैं ये सबको ट्रेस करने की प्रैक्टिस करनी है. इसी तरह से इस सारे लेटर्स को हमें ट्रेस करना है. फिर यहाँ पर लेटर एम एक में लिखा हुआ है जिसके ऊपर हमें ट्रेस करना है और एक बॉक्स खाली है जिसमें हमें खुद से लिखना है. तो चलिए इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे हम. तो इसी तरह पहले ये स्टैंडिंग लाइन करके फिर इस तरह से फिर सेकंड सर्कल, तो बन गया हमारा एम फॉर मंकी. आप इसे देखिए खुद से कैसे लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से इस तरह से करके वापस ऐसे बना देना है तो बन गया एम. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एम जो है वो ओनली ये टू ब्लू लाइन्स के अंदर में ही आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके, ब्लू लाइन्स में देखिए इस तरह से वन टाइम एंड सेकंड टाइम ऐसे किया तो बन गया हमारा एम फॉर मंकी. चलिए एक बार और ट्रेसिंग करके देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना लेटर एम कैसे लिखना है? तो इसी तरह से ये लेटर एम हमें यहाँ पर लिखना है. फिर आया लेटर एन, तो एन के लिए भी इसी तरह पहले यहाँ पर ट्रेस करना है. जैसे हम एम बनाते हैं ना, तो इसी तरह एन के लिए सिर्फ ओनली ऐसा वन बना देना है तो बन जाएगा हमारा लेटर एन. सिर्फ छोटा सा यहाँ पर कर्व निकालना, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरह से कर देना है तो बन जाएगा हमारा लेटर एन. एम के लिए हम ऐसा करके ऐसा करते हैं, लेकिन एन के लिए ऐसा ओनली वन टाइम ही करेंगे तो बन जाएगा एन फोर नेस. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये लेटर एम और एन आपको राइट डाउन करना है. एंड नेक्स्ट है रीड एंड राइट ओ एन पी. अब हम लिखेंगे लेटर ओ एन पी. रीड द लेटर्स नेम द पिक्चर्स. ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्टोपस, एन ओ फॉर ऑक्स. फिर यहाँ पर है लेटर पी, पी फॉर पांडा, पी फॉर पेंगुइन, पी फॉर पपैया. तो अब हम ये दोनों लेटर को रिटर्न में भी देखेंगे. यहाँ पर फर्स्ट है प्रैक्टिस द स्ट्रोक्स, राइट द लेटर्स. ओके, चलिए पहले हम इसे क्या करना है, ट्रेस जैसे हम करते हैं. तो ओ कैसे बनता है आपको पता है, एक ओनली गोल सर्कल बना देना है तो बन गया हमारा लेटर ओ. इसी तरह ये पूरी लाइन आपको ट्रेस करनी है. लेटर ओ भी आएगा ओनली टू ब्लू लाइन के अंदर ही. देखिए ऐसा हम जैसे गोल सर्कल बनाते हैं ना, ऐसे सर्कल बना देना है
तो बन जाएगा लेटर ओ। अब खुद से भी लिख के प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे लिखना है। इस तरह से करके ऐसे, तो ये क्या बना हमारा लेटर ओ। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना ये लेटर ओ कैसे करना है? सिर्फ इस तरह से करके गोल एक सर्कल बना देना है। इसी तरह ये सब में लेटर ओ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर लेटर पी, तो इसी तरह ये पी को भी पहले इस सारी यहाँ पर देखिए इस तरह से ट्रेस करना है और इनको इस तरह से ट्रेस करना है। अब पहले लेटर पी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये ब्लू लाइन से नीचे की रेड लाइन को टच करनी है, पहले तो एक्सटेंडिंग लाइन, फिर यहाँ से एक हाफ सर्कल। देखिए कैसे करते हैं, एक्सटेंडिंग लाइन करके फिर ऐसे हाफ सर्कल। तो ये क्या बना, लेटर पी। सो देखिए एक बार और दिखते हैं, देखिए एक्सटेंडिंग लाइन, फिर यहाँ से इस तरह से हाफ सर्कल बना दिया, तो बन गया हमारा लेटर पी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह लेटर पी भी आपको यहाँ पर लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं ये सब आपको आपके इंग्लिश के इस टेक्स्ट बुक में अच्छे से राइट डाउन करनी है। ओके, थैंक यू।